यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में यातायात निरीक्षक और यातायात उप निरीक्षक द्वारा गोलघर चौराहे से विजय चौराहे एवं सचिव मॉल तक लाउड हेलर के माध्यम से बनाए गए पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने हेतु प्रचार प्रसार किया गया। वाहन चालकों से अपील किया गया कि पार्किंग स्थल पर वाहनों की पार्किंग करें, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही सड़क पर खड़े वाहनों को पार्किंग स्थल पर खड़ा कराया जाए। इस दौरान गोलघर से कचहरी चौराहे के बीच रोड पर खड़े ठेला, खुमचा और अतिक्रमण किए दुकानदारों को हटवाया गया एवं चेतावनी दी गई कि पुनः रोड पर अतिक्रमण न करें। आपको बता दें कि काली मंदिर से गणेश चौराहा, विजय चौराहा तक पुलिस एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में टीआई अख्तियार अहमद अंसारी और टीआई सुनील सिन्हाल सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान आम जनमानस से संपर्क कर यातायात के नियमों, संकेतों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बिना हेलमेट तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट लगाए एवं बिना नंबर प्लेट लगाए वाहनों की चेकिंग की गई। नियम विरुद्ध पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान शमन शुल्क की कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि शहर क्षेत्र में बिना हेलमेट के 388 चार पहिया वाहन द्वारा सीट बेल्ट न लगाने पर 41, वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर 10, नो पार्किंग में 204 चार पहिया वाहन पर काली फिल्म लगाने पर 4 और बिना नंबर लगाए 9 दो पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाए 18 वाहनों का चालान एवं यातायात के अन्य अपराधों में चालान किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, ये धनतेरस दीपावली का त्यौहार निकटस्थ है, ऐसी स्थिति में काफ़ी भीड़ भाड़ मार्केट में हो रही है। मार्केट में आम लोगों के आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, वाहनों से कोई अवरोध न हो, इसके परिप्रेक्ष्य में ये नो पार्किंग क्षेत्र में जितने भी वाहन खड़े हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको पार्किंग में भेजा जा रहा है। हमारी चार पार्किंग चल रही हैं, टाउन हॉल में, यूनाइटेड टाकीज के सामने, बिस्मिल पार्क में और सिटी मॉल के सामने। ऐसी स्थिति में पर्याप्त पार्किंग में जगह भी है, लेकिन जो लोग पार्किंग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, गाड़ियों को पार्क नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ियों को यार्ड भेज रहे हैं, उनका लगातार चालान कर रहे हैं, जिससे जगह खाली रहे और हम लोग आसानी से सुगमता से अपना व्यापार कर सकें और खरीदारी कर सकें। ये लगातार काली मंदिर से लेकर के और शास्त्री चौक तक चल रहा है, इधर विजय चौक से लेकर के और एस्ट्रा के आगे तक, बिस्मिल पार्क के सामने तक चल रहा है। इसी तरह से शहर के अंदर ये
धर्मशाला से लेकर के हुमायूंपुर तक, और इधर बैक साइड में अगर देखें तो तृतीयाहाता से लेकर के कैंट चौराहा तक, पैडलेगंज तक, इन सब जगहों पर जहाँ भीड़ भाड़ होती है, जहाँ आवागमन प्रभावित हो सकता है, उन सब जगहों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। और आज कितनी गाड़ियों के चालान काटे गए, कितने वाहनों पर लगभग 650 वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है अब तक, और ये लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो ये कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं करेंगे तो आम लोगों को कठिनाई होगी, ये लगातार चलता रहेगा।